दोस्तों, फ्रूट्स यानी फल खाना तो हम सबको ही अच्छा लगता है। इनमें से कुछ फल तो सीजनेबल होते हैं तो कुछ 12 महीने मिलते हैं, जैसे कि केला। केला एक ऐसा फल है जो कि आपको पूरा साल मार्केट में देखने को मिलेगा। ज्यादातर सभी लोगों को केला खाना अच्छा लगता है, लेकिन चाहे केला हो या कोई और फल, दोस्तों क्या आपने कभी ध्यान दिया नहीं कि जो फल आप हमेशा खाते हैं वो नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से पका है या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस फल को किसी केमिकल के जरिए पकाया गया है? क्योंकि मार्केट में आजकल ज्यादातर फ्रूट्स ऐसे आते हैं जिनको समय से पहले पकाने के लिए उन पर कई तरह के केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसकी वजह से फलों का जो एक्चुअल न्यूट्रिशन या पोषण होता है वो हमें नहीं मिल पाता। और केमिकल युक्त फल खाने से हमारी सेहत बनने के बजाय बहुत बिगड़ भी सकती है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे दोस्तों, कि नेचुरल पका हुआ केला और केमिकल से पके हुए केले में क्या अंतर होता है। दोस्तों, जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमें हर जगह बिल्कुल पीले और चमकदार केले दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर हमको लगता है कि ये कितना हेल्दी और टेस्टी होगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कभी भी केले खरीदते वक्त आपको उसके रंग पे ध्यान नहीं देना है। केला चाहे कितना भी देखने में अच्छा हो, जरूरी नहीं है कि वो आपकी सेहत के लिए भी उतना ही अच्छा होगा। किसी भी फल को खरीदने से पहले इस बात को कंफर्म जरूर कर लें कि वो नेचुरली पका है या केमिकल से। अब आप ये पता कैसे करेंगे? चलिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। इसके लिए आपको सिर्फ केले के डंठल की तरफ ध्यान देना है। कोई भी केला जो नेचुरल तरीके से पका होगा वह धब्बेदार होगा। उस केले का हमेशा पहले डंठल पीला या काला होगा, उसके बाद आगे केला पीला या धब्बेदार होगा, जबकि केमिकल से पकाया गया केला पीला, चमकदार और बिना दाग का होगा। केमिकल से पकाया गया केले का डंठल हल्का हरा या पूरा हरे रंग का होगा। ऐसे केलों को कार्बाइड से पकाया जाता है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत हार्मफुल यानी हानिकारक होता है। तो दोस्तों, आगे से आप कभी भी अगर मार्केट से केला लें तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही।